एयर इंडिया के पी गेट मामले के बाद अब एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। लंदन से मुंबई आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में एक 37 साल के शख्स को फ्लाइट के टॉयलेट में स्मोकिंग करते पकड़ लिया है, जिसके बाद सहार पुलिस ने आरोपी रत्नाकर करुणकांत द्विवेदी के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 और विमान अधिनियम 1937 की धारा 22, 23 और 25 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं इस मामले को लेकर एयर इंडिया के क्रू मेंबर ने सहार पुलिस को बताया कि उड़ान भरने के दौरान फ्लाइट में धूम्रपान की अनुमति नहीं है, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम गया तो अलार्म बजने लगा और जब हम सभी चालक दल बाथरूम की ओर भागे तो देखा कि उसे हाथ में एक सिगरेट है। हमने तुरंत सिगरेट उसके हाथ से फेंक दिया। उसके इस व्यवहार से सभी यात्री डर गए और उसने उड़ान में नौटंकी शुरू कर दी। वो नहीं था एयर इंडिया के चालक दल के सदस्य ने सहार पुलिस को बताया कि रमाकांत हमारी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो सिर्फ चिल्ला रहा था, जिसके बाद हमने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे सीट पर बैठा दिया। इसके बाद वो अपना सिर पीटने लगा। पुलिस ने कहा कि यात्रियों में एक व्यक्ति डॉक्टर था, उसने आकर उसकी जांच की। फिर रमाकांत ने कहा कि उसके बैग में कुछ दवा है, लेकिन बैग की जांच करने पर एक ई सिगरेट बरामद हुई। फ्लाइट के लैंड होने के बाद यात्री रमाकांत को सहार पुलिस को सौंप दिया, जहां उसे पुलिस ने हिरासत में लेकर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। न्यूज डेस्क, आरआर न्यूज।